होगा, इसलिए मुझे घर जाना है। ये रही तेरी मेहनत, 5000 रुपए हैं, और ये रहा मेरी तरफ से 1000 का एक्स्ट्रा बोनस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। रुको नेमचंद। जी मैम साहब। छत पर कुछ कपड़े सूख रहे हैं, उन्हें उतार कर प्रेस कर दो, हमें शाम को पार्टी में जाना है। जी मैम। पार्टी? पार्टी कौन सी पार्टी में जाना है? आपको तो याद नहीं रहता, आज मेरे फ्रेंड की एनिवर्सरी की पार्टी है। ओ अच्छा अच्छा, यानी शादी की सालगिरह। क्या बात है, आप इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो आज? अरे खुश की तो बात ही है। हाँ, आज तुमने उस नौकर को देखा, वो कितना खुश है। तो इसमें इतना हंसने की बात क्या है? वो इतनी कम सैलरी में अपने घर कैसे चलाता होगा? एक मैं हूँ जो करोड़ कंपनी में हजारों वर्कर्स काम करते हैं, फिर भी मैं खुश नहीं रह पाता, मुझे हमेशा चिंता लगी रहती है। आपको किस बात की चिंता लगी रहती है? आप इस एरिया में टॉप बिजनेसमैन हैं और आपकी वजह से हजारों लोगों के घर में चूल्हा जलता है, फिर भी आप परेशान रहते हैं। अरे परेशान क्यों ना रहूं? मेरी कंपनी चलने के बाद भी मैं बैंक का कर्जा नहीं चुका पा रहा। आप परेशान मत होइए, बस ऐसी मेहनत करते रहिए, एक दिन बैंक का लोन भी खत्म हो जाएगा। अरे माँ का फोन। हाँ माँ। हाँ बेटा, कैसा है तू? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बेटा तेरी कंपनी कैसी चल रही है? हाँ माँ, कंपनी बहुत अच्छी चल रही है और इस समय कंपनी में काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। बेटा तेरी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? अब मुझे पता नहीं है कितने लोग काम कर रहे हैं, पहले पता था। अच्छा सुन बेटा, खाना खा लिया तूने? अभी नहीं माँ, बस मैं अब जा ही रहा हूँ होटल में खाना खाने। और बेटा तू अब खूब पैसे कमाना, क्योंकि तेरी बहन की शादी आ रही है और वो कह रही थी कि वो शादी में कार्ड लेगी। हाँ माँ बिल्कुल, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी कार दूंगा। अच्छा माँ ठीक है, अब मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, अभी कुछ काम है। ठीक है बेटा, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। सर आपको पता है बैंक से 20 लाख रुपए का लोन लिया था आपने? मुझे याद है सर, 1 साल पूरा हो गया, आपने लोन नहीं चुकाया अभी। सर अभी मेरी कंपनी घाटे में चल रही है, जैसे मुनाफा होगा आपका कर चुका दूंगा। सर आपको तो पता ही है बैंक नफा नुकसान नहीं देखती, सिर्फ उसे पैसा चाहिए। सर मुझे कुछ और महीने का समय चाहिए, मैं आपके बैंक का नहीं। सर आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा, आपके पास सिर्फ 3 दिन है, अगर आप 3 दिन में कर चुका पाते हैं तो ठीक है, वरना आपकी कंपनी को नीलाम करना पड़ेगा। ठीक है सर, आप जाइए और 3 दिन बाद आ जाइए। ठीक है सर। मैं 3 दिन में 20 लाख रुपए कहाँ से लाके दूंगा? अरे आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये लोन भी हम जल्दी चुका देंगे, आप टेंशन मत लो। कैसे टेंशन लूं? तुम्हें पता है बैंक का 3 दिन में कर्ज नहीं पड़ा तो मेरी कंपनी नीलाम हो जाएगी, और तुम्हें क्या पता मैंने कितनी मुश्किल से अपनी कंपनी को तैयार किया है। ये लीजिए मालिक चाय। चला जाए यहाँ से करीब। देखो ये कितना खुश रहता है और मैं हमेशा कितना परेशान रहता हूँ, और इसे देखो 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते ही कितना खुश रहता है, और मेरे पास लाखों की संपत्ति होकर भी खुश नहीं रह पाता। कभी कभी तो मेरा मन ऐसा करता है ये सब कुछ छोड़कर कहीं जाके नौकरी कर लूँ, मैं भी इसी की तरह आज सुकून की जिंदगी जीता। आप गुस्सा मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुसीबत के समय में हैरान नहीं होना चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कुछ ठीक नहीं होगा। थोड़ा धैर्य और साहस रखिए, मुश्किल के समय में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं कैसे धैर्य और साहस रखूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप भगवान पे भरोसा तो रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अभी चंद्र प्रकाश इनकी गिनती करो, कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78,
काउंटिंग ठीक करी ना? सर काउंटिंग सही करी चंद्र प्रकाश ने करी। और ये मिक्सर मशीन कैसी चल रही है? बिल्कुल मस्त चल रही है। ठीक चल रही है? हाँ चलो तो ठीक है, हम थोड़ा और देखते हैं। हाँ भाई काम सही से चल रहा है। हाँ सही से। अरे इधर जाओ ना, इधर को आ गए। सर ये मशीन खराब होगी, इसे चेंज करवाओ। ठीक है कोई बात नहीं, इसे चेंज करवा दूंगा मैं, सर से बोल दूंगा चेंज हो जाएगी। ठीक है सर, और काम करो। ठीक है ठीक है। भाई साहब काम तो सही चल रहा है, वैसे लेबर काम सही कर रही है। सही चल, ऐसा ऐसा हटाओ, वाइब्रेटर को हटा के इसे दूसरी तरफ रखो। और परशुराम जी काम क्या चल रहा है कंपनी में? काम बढ़िया चल रहा है सर। ठीक है, और काम तो ठीक है सर, बोले भी मशीन खराब हो गई है, उसे चेंज करवा दीजिए। ठीक है, उस मशीन को मैं बहुत जल्दी चेंज करवा दूंगा, जितना काम बाकी है उसे करवा पूरा, और काम में कोई भी डिफरेंस नहीं मिल जाना चाहिए मुझे। ठीक है सर। ठीक है, भाई आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे भाई हम दोनों तो एक साथ में पढ़े हैं, तू मुझे भूल गया? भैया मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपको नहीं पहचाना। अच्छा तो ये काम कर रहे हो, इसलिए पहचानने से इनकार कर रहे हो ताकि बेइज्जती ना हो? कोई नहीं भाई, मैं गांव से ये आस लेकर आया था कि मुझे शहर में कहीं नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। और भाई मेरी माँ सोचती होगी मेरा बेटा कहीं अच्छा बिजनेसमैन होगा। हाँ भाई तेरी माँ बताती रहती है गांव में सबसे, मेरा बेटा शहर में सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, और तेरी माँ बताती है बहुत पैसे वाला हो गया, और उसके अंडर में हजारों वर्कर्स काम करते हैं, ये सब बताती तेरी माँ। लेकिन भाई और मैं क्या करता, मुझे मजबूरन माँ से झूठ बोलना पड़ा कि मेरी एक कंपनी है, लेकिन आज तूने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया कि मैं क्या करता हूँ। ये सब कुछ छोड़, लेकिन तू यहाँ कैसे? भाई मैं इस घर के मालिक से लोन के पैसे लेने आया था, उसने बोल दिया 3 दिन के लिए, मैं इस वजह से 3 दिन बाद फिर आया हूँ। अच्छा तो मालिक उस दिन इसलिए गुस्सा थे, चल तो मैं तुझे मालिक से मिलाता हूँ। चल भाई। तो सर आपने क्या सोचा, बैंक के पैसे देंगे या नहीं? जी नहीं, चाहे तो आप मेरी कंपनी को नीलाम कर सकते हैं। सर एक बार और सोच लीजिए, आपकी कंपनी नीलाम होगी तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए 2 दिन का समय और दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है सर। ठीक है मैं चलता हूँ। मालिक मुझे 2 दिन के लिए गाँव जाना है। ठीक है जा, जहाँ जा रहा है मैं ऐसे ही परेशान हूँ मैं तो। ठीक है मालिक। सर नमस्ते। नमस्ते, बैठिए बताइए क्या काम था, कैसे आना हुआ? सर ये लीजिए मेरी जमीन के कागज और मुझे 20 लाख रुपए दे दीजिए। ठीक है मैं अभी चेक करता हूँ। ठीक है कागज तो मैंने आपके चेक कर लिए, कागज ठीक है, लो साइन कर दो। यहाँ और करो। ठीक है बैठ जाइए। ठीक है मैं तुम्हारा पेमेंट करता हूँ। लीजिए आपकी रकम। थैंक यू सर। बताओ कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, पैसे के लिए हाथ की रोटी तक बेच देते हैं। हाँ तो सर हो गया पैसों का इंतजाम? सॉरी सर पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया, आप मेरी कंपनी को नीलाम कर सकते हैं और अपने पैसा वसूल कर सकते हैं। तो ठीक है सर, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ था, कुछ तो करना पड़ेगा। रुको, ये ले भाई अपने 20 लाख का कैश। लेकिन भाई तू इतने पैसे लाया कहाँ से?
तुझे भाई अपने पैसों से मतलब तुझे ये जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेमचंद तुम इतने सारे पैसे लाए कहाँ से हो? मैम साहब जब तक ये आपका नौकर जिंदा है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कृष्ण मालिक को फाइनल रसीद दो। ये लीजिए सर आपकी फाइनल रसीद। सर अब आप पे कोई बैंक का कर्जा नहीं रहा और आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है अब मैं चलता हूँ। ओके नेमचंद हमारे लिए तूने ये सब कुछ क्यों करा? हाँ और तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आए? मालिक मैं नौकरी की तलाश में शहर में आया था लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मैं बहुत दिनों तक इधर उधर भटकता रहा और मालिक मुझे किसी ने भी नौकरी नहीं दी। एक दिन मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी कि मैं दो वक्त की रोटी के लिए भी तरस गया। तभी फिर मुझे आप मिले, आपने मुझे सहारा दिया, नौकरी दी और दो वक्त की रोटी भी। तो फिर मालिक मैं आपको इस मुसीबत में कैसे छोड़ सकता हूँ? वो सब तो ठीक है लेकिन तू इतने सारे पैसे लाया कहाँ से? वो मालिक मैंने अपनी ज़मीन बेच दी। क्या ज़मीन? मालिक मैंने सोचा था कि अगर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली तो मैं अपनी बहन की शादी जमीन बेचकर कर दूंगा और मालिक आपकी मजबूरी देखकर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तू नौकर नहीं, आज से मेरा सच्चा भाई है और आज से ही मेरी कंपनी का आदेश सदार भी है। मालिक ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नेमचंद मैं सही कह रहा हूँ, आज से तू मेरी कंपनी का आदेश सदार भी है। मुझे पूरा विश्वास है तुझ पर, मेरी कंपनी में काम करेगा तो मेरी कंपनी को बहुत आगे ले जाएगा तू। आजा गले लग जा मेरे भाई।